गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपसे फिर से जुड़ता हुआ आपका पीयूष पांडे। और आज एक ऐसा विषय मैंने उठाया, मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में मैं हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को लाता रहूंगा। तो आज हमारे साथ हमारे परम मित्र अनुराग श्रीवास्तव, अनुराग भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं इनके बारे में बता दूँ कि ये बहुत अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर थे और मैं इनकी बॉल खेल खेल कर ही क्रिकेटर बन पाया। इन्होंने वो पहचान लखनऊ को दी थी, ये वेस्ट इंडीज का इन्होंने दौरा उस समय किया था, ये हम लोग के लिए आइडियल थे। हम लोग को भी लगता था कि कैसे ऐसे इस स्तर पे हमको क्रिकेट खेलना है। तो बहुत कुछ इनसे भी हम लोगों ने इंस्पायर हुआ। तो अनुराग भाई, इन्होंने इंडिया अंडर 19 और को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने एज ए ऑफ स्पिनर, मुझे अभी भी याद है नेट्स पे मैं जब इनको खेलता था तो इनकी बॉल से अलग सी आवाज आती थी जो मैं मिसिंग देखता हूँ आज के क्रिकेटरों में। वो जो लूप इनकी बॉल में होता था और गेंद पढ़ के जो बाउंस करती थी वो मुझे अभी भी याद है। और जो असली स्पिनर उस समय हमारे, हम जिनको नेट्स पे बैटिंग करते थे, टीके भट्टाचार्य और अनुराग सर। तो अनुराग सर, मैं आज हम लोग का विषय ये रहेगा कि क्रिकेटर्स जो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं उनको कैसे आप गाइड करेंगे, क्या ग्रिप होनी चाहिए, कैसे उनको आगे क्या मेहनत करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पीयूष पांडे जी हमारे बचपन के मित्र हैं, आपने भी अंडर 19 इंडिया और रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया है। हम लोग सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सबसे पहले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में साथ में खेले थे और उसमें शायद हम दोनों ही 8th या 9th क्लास में पढ़ते थे और हम लोगों ने लखनऊ की टीम से टूर किया था और तब से आज तक हम लोगों का साथ बना हुआ है। आज हम लोग लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्टर हैं और शायद ऊपर वाले की दया से और सबके कर्म से अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तारीफ तो आप लोग जानते होंगे। जहाँ तक रही बात, तो जैसा कि पीयूष ने बताया कि ऑफ स्पिनर्स की बात, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफ स्पिनर आज के ज़माने में थोड़ा सा मिसिंग हो रहे हैं। उसका एक कारण है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में ऑफ स्पिन जो है बहुत ईजिली बैट्समैन को अगर विद द टर्न मिल जाती है तो उसको लिफ्ट कर देता है मिड विकेट या लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और उसकी वजह से जो ऑफ स्पिनर्स हैं वो फ्लाइट देना भूल गए हैं, क्योंकि जैसे ही वो फ्लाइट देते हैं तो उसके ऊपर छक्का पड़ने का उन्हें डर होता है। यहाँ पर मैं अपने जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो ऑफ स्पिनर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रिप वगैरह आप सभी लोग जानते होंगे, जो इस तरीके से आपको ग्रिप करना है। मैं यहाँ पर नज़दीक आके बता देता हूँ, ये स्ट्रीम को पकड़ के ग्रिप करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताने के लिए मिल ही जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा बॉल को फ्लाइट करें, क्योंकि जब तक आप बॉल को फ्लाइट नहीं करेंगे आपकी बॉल में टर्न नहीं आएगा और आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप तेज़ बॉल करेंगे तो तेज़ बॉल तो बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे बैट्समैन भी होते हैं जो ऑफ स्पिन डालते हैं और तेज़ कर देते हैं। तो T20 क्रिकेट ही सारा क्रिकेट नहीं है, बहुत सारा क्रिकेट आपको 50 ओवर्स क्रिकेट में आप जाते हैं, आप इनिंग क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए आप ऑफ स्पिनर बनिए। और ऑफ स्पिनर की बहुत डिमांड होती है, ना सिर्फ लेफ्ट हैंडर के लिए तो ऑफ स्पिनर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इवन राइट हैंडर के लिए भी ऑफ स्पिनर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ऑफ स्पिन के लिए। जिस समय आप बॉल डालते हैं आपका जो लेफ्ट आर्म है वो लेफ्ट आर्म आप यहाँ से साइड से देखेंगे, जितना ज़्यादा साइडवेज जाएंगे उतना आपका आर्म जो है वो कान के पास से आएगा, जितना ज़्यादा कान के पास से आएगा जितना ज़्यादा हाई आर्म होगा उतना अच्छा आप बेटर बॉल डाल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर रखिए और बैट्समैन राइट हैंडर बैट्समैन को कोशिश करिए कि वो आपको कवर ड्राइव करे, अगेंस्ट द स्पिन खेले। और यही सारे मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि आप बैट्समैन को कवर ड्राइव कराएं, फ्लाइट कराएं और अगेंस्ट द स्पिन खेलने का उनको कोशिश कराइए। दूसरी बात यह है, ना सिर्फ ऑफ स्पिनर बल्कि सभी बॉलर्स से मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप लोग स्पॉट बॉलिंग यानी कि सिंगल विकेट बॉल ज़रूर डालें, उससे आपकी बॉल में कमांड आएगा। सारे ही बॉलर्स, न सिर्फ ऑफ स्पिनर बल्कि सारे ही स्पिनर्स जो हैं, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक आपका नॉन बॉलिंग आर्म यानी कि ये वाला आर्म लेफ्ट आर्म, और उसके साथ में आपकी कमर चलनी चाहिए। फॉलो थ्रू में जितनी अच्छी आपकी कमर रोटेट करेगी आपका राइट आर्म क्विक आएगा उतना अच्छा रहेगा। पीयूष, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लाइट देने का मतलब, अक्सर लोग समझते हैं कि फ्लाइट देना फ्लाइट दे दिया, फ्लाइट सिर्फ देनी नहीं है, फ्लाइट के साथ में जब आप अपनी रिप
हिप्स को रोटेट करेंगे और सरफेस को हिट करना है, तभी बॉल आपका टर्न करेगा और बाउंस करेगा। अनुराग भाई, लूप के बारे में थोड़ा सा चाहते हैं कि गाइड करें, लूप क्या चीज़ होती है बच्चों को? एक्चुअली लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सभी स्पिनर्स के लिए। तो जो बॉल एयर में आने के बाद थोड़ा सा ऐसे डिप करता है वो लूप कहलाता है, और जितना अच्छा आपका बॉल डिप करेगा उतना अच्छा होता है। जब बैट्समैन को लगता है कि मैं बॉल तक पहुंच गया हूं और वो बॉल तक नहीं पहुंच पाता है, ड्राइव करता है, तो या तो कॉटन बोर्ड या कवर्स पर या शॉर्ट मिड विकेट पर कैच जाता है। दूसरा, मैंने बहुत से ऑफ बॉल लेग कट डालते, वो उनका मेन हथियार होता था तो इंटरनेशनल लेवल पे, और इसलिए तो थोड़ा सा इनको लेग कट की ग्रिप और बताएं बच्चों। देखिए, लेग कट या दूसरा जिसको कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर बॉलर का एक वेपन होता है। राइट आर्म लेग स्पिनर के पास गुगली होती है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास आर्मर होती है। इसी तरीके से ऑफ स्पिनर का जो बॉल है वो लेग कटर या अब जिसको दूसरा कहते हैं वो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए दो तीन ग्रिप्स होती हैं। आप बॉल को यहाँ से टर्न कर, यूँ टर्न कराते हैं, यूँ टर्न करा के बॉल को यहाँ से निकाल सकते हैं, वो बॉल आपका पड़ने के बाद बाहर निकलेगा। दूसरा तरीका एक ये है कि वो अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो इनिशियल स्टेज में आप बॉल को थोड़ा सा फ्लैटर फेंक सकते हैं और पड़ने के बाद बाहर निकलेगा। बहुत अच्छा लगा अनुराग भाई आपसे, हमारे बहुत से जो यंगस्टर्स ऑपरेट बॉलर्स सीख मिली है उनको। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।